ओके बच्चा पढ़ी, यहां पे देखो KMnO4 plus 5NO2, हमका भाई साहब जैसे हमने KMnO4 में NaNO2 को ऐड किया तो ये डीकलराइज हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली गेटिंग डीकलराइज। ओके टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, एक है आपका सिंपल कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन और डिकम्पोजिशन, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। कल बैलेंसिंग समझ में आ गया भाई साहब, किस तरह से बैलेंसिंग करना है, कैसे एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है, कैसे बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है, जयंत शर्मा को सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, सो आपके देखो रेडॉक्स रिएक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस डू वी हैव बच्चा बाड़ी, ठीक है, एक हो गया आपका सिंपल, दूसरा हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है, सो दीज आर रेडॉक्स रिएक्शंस, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस यू हैव, वन इज बेसिकली सिंपल रेडॉक्स, ठीक है, दूसरा आपका भाई साहब डिस्प्रोपोर्शनेशन, फिर आपका डिकम्पोजिशन एंड देन वी हैव कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस दैट वी हैव, वी ऑल नो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो उसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ओके सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंपल रिडॉक्स, अ रिएक्शन वेयर ओनली वन एटम इन द कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सिर्फ एक एटम का ही अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, That is a simple redox reaction, ठीक है? For example, HNO3, एक ही एटम है, ठीक है? Only one atom in the compound undergoes oxidation or reduction. जैसे HNO3 है, अभी आप देख लो भाई साहब यहां पे H और O का कोई चेंज नहीं होगा, N का कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए, What is it? यहां पे आपका बताइए N का कितना होगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, अरे ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा भाई, यहां पे आपका ये हो गया, लेट से H है तो ये हो गया आपका x, तो 1 प्लस x प्लस 3 इंटू माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब प्लस 5, एच एन ओ 2, तो ये हो गया x, तो ये हो गया 1 प्लस x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हो गई भाई साहब प्लस 3, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है बच्चा बाड़ी, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इज इन एच एन ओ 3 इज प्लस 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इज प्लस 3, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो आपका देखो एच एन ओ 3 का क्या बन रहा है एच एन ओ 2, प्लस 5 से क्या बन रहा है प्लस 3, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, सो अगर हम देखते हैं एन फैक्टर ऑफ एच एन ओ 3 कितना हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ एच एन ओ 3 हो जाएगा भाई साहब आपका कितने नंबर ऑफ एटम्स है 1, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हियर इज 1, ठीक है, और आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2 का आपका मॉड वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2, ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एच एन ओ 2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, मतलब ये हो गया एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये हो गया भाई साहब एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का ही भाई साहब ऑब्वियसली 2 ही आएगा, ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन, यहां पे सिर्फ और सिर्फ भाई साहब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन एक ही एलिमेंट एक ही कंपाउंड का, इसको अपन सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ओके कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन इन अ रिएक्टेंट मोर देन वन एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इट इज सेड टू बी अ कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो आपका भाई साहब फॉर अ कंपाउंड रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन टोटल एन फैक्टर इज गिवन एज फॉलोज, तो आपका भाई साहब टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 1 एलिमेंट 1 का ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 2 मतलब एलिमेंट 2 का, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है या एक से ज्यादा एलिमेंट का किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, तो टोटल ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन विल बी मतलब एन का भाई साहब एन एफ 1 प्लस एन एफ 2, अगर भाई साहब रिडक्शन है तो एन एफ
एनआर वन प्लस एनआर टू रिडक्शन में, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो भाई साहब, Fe2O4 और ये हो रहा है Fe2O3 और CO2, ठीक है? ध्यान से देखिए, Fe2O4 इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, Fe2O4 तो यहां पे है आपका Fe, सो दिस इज Fe2O4, तो ये हो गया आपका, लेट्स से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये आपका X है, ये हो गया भाई साहब आपको कितना कार्बन क्रोमेट आयन है ना भाई साहब, ये एक्चुअली C2O4 है क्या, देख लीजिए ये C2O4 है, सो दिस विल बी C2O4 क्रोमेट आयन है ये, तो इसका भाई साहब -2 होता है, ठीक है? C2O4 क्रोमेट नहीं, आपका भाई साहब ऑक्सलेट आयन है, दिस इज बेसिकली ऑक्सलेट आयन, लिख लीजिए भाई साहब, ऑक्सलेट आयन का C2O4 टू माइनस होता है, C2O4 टू माइनस, ऑक्सलेट आयन हैज गॉट C2O4 टू माइनस, डन डन डन, ऑक्सलेट आयन का होता है ये, ठीक है? तो यहां पे भाई साहब अगर हम इसको पूरे को ले लें तो ये कितना है, 2 माइनस है ना, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2, तो आयरन का भाई साहब यहां पे कितना हो गया, +2, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe कितना हो गया भाई साहब, +2, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C इन Fe2O4 इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो C2O4 का अगर निकालना है ना, C2O4 ये क्या इतना होगा, 2 माइनस, ऐसा इसको सेपरेट कर लो, इसका समझ लो x मान लिया अपन ने, तो ये हो गया 2x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है? तो ये हो गया 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +3, समझ में आ रहा है भाई साहब? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन Fe2O4 इसमें कितना है भाई साहब, +3, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, अभी हम इसमें आते हैं देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक ही एलिमेंट में देखो आपको दो क्यों चीजें मिलेंगी, तो आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन, अभी हम प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं, ठीक है? Fe2O3, Fe2O3 है भाई साहब, यहां पे क्या है x, यहां पे -2, तो 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, +3, ठीक है? आयरन का हो गया +3, CO2 पे आते हैं, ईजी है भाई साहब, CO2, तो ये हो गया x, ये हो गया -2, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, +4, ठीक है? ये हो गया भाई साहब +4, ठीक है? तो अगर आप देखोगे यहां पे, ठीक है, आपका बोथ Fe एंड C आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आपका आयरन और आपका कार्बन दोनों का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो आयरन का यहां पे कितना था, +2, और आयरन का यहां पे कितना हो गया, +3। भाई देखो Fe2O3 में कितना निकाला तुमने, आयरन का भाई साहब यहां पे +3 निकाला ना, तो इसका कितना है, +3 है यहां पे, और आयरन का Fe2 Fe C2O4 में आपने कितना निकाला था, +2, ठीक है? तो आयरन का +2 से क्या हो रहा है, +3, तो +2 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है? ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो कार्बन का Fe C2O4 में आपने कितना निकाला भाई साहब, +3 निकाला है कि नहीं, कार्बन का C2O4 में कितना निकाला था भाई साहब आपने, C2O4 में आपका अब कितना आया भाई साहब, दिस विल बी, हाँ +3 आया था C2O4 का, +3, अभी यहां पे कितना है, +4, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई साहब आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक ही कंपाउंड में, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बोलो, रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, यहां पे आपने निकाला था देखो एन फैक्टर टोटल, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन 1, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन 2, ऑक्सीडेशन 1 में क्या हो रहा है भाई साहब, Fe, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, कितने एटम्स है भाई साहब यहां पे, 1, ठीक है? तो 1 इंटू आपका कितना चेंज है, 1, तो ये हो गया 1, ठीक है? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन 2, यहां पे कितने एटम्स है भाई साहब कार्बन के, 2, और यहां पे भाई साहब कितना चेंज हो रहा है यहां पे, 4 से लेकर 3, तो 1, तो ये हो गया आपका 1, 2 इंटू 1, 2, तो टोटल भाई साहब कितना हो जाएगा आपका एन फैक्टर 1 प्लस 2 दैट इज 3, क्या ये समझ में आ रहा है? Fe2 यहां पे बैलेंसिंग तुमको यहां से करनी है, रिएक्टेंट साइड से, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है वो देखने हैं तुमको, ना कि आपके प्रोडक्ट साइड में।
प्रोडक्ट साइड में आप बैलेंसिंग करोगे, रिएक्टेंट साइड में ऐसे एटम्स उठाने हैं। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा आपका मॉड में, तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पे कितने हैं? वन। कितना ऑक्सीडेशन चेंज होगा भाई साहब? थ्री माइनस टू दैट इज वन। तो एन फैक्टर वन का कितना हो जाएगा? एन फैक्टर वन हो जाएगा भाई साहब वन इंटू वन। और एन फैक्टर टू कितना हो जाएगा भाई साहब? टू इंटू वन, क्योंकि यहां पे फोर माइनस थ्री वन है लेकिन कार्बन के एटम्स दो हैं, तो एन फैक्टर टू कितना हो जाएगा भाई साहब? टू। क्लियर है? सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ओके, तो एन फैक्टर ऑफ एफ ई, तो एन फैक्टर ऑफ एफ ई टू प्लस, तो आप देखो यहां पे वन प्लस टू कितना आ गया? थ्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एफ ई सी टू ओ फोर ये कितना हो जाएगा भाई साहब? थ्री। ठीक है, क्लियर है भाई साहब आपका यहां पे? ओके, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे, अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में एन फैक्टर्स को ऐड करेंगे। तो कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली है क्या? जहां पे एक कंपाउंड में, ठीक है, दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो इस तरीके के केसेस में आप क्या करेंगे? दोनों भी के ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, या रिडक्शन के एन फैक्टर्स को ऐड करेंगे। ओके, फॉर अ कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शन टोटल एन फैक्टर इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एन फैक्टर। ओके ओके ओके, ये टोटल एन फैक्टर से क्या करना है आपको? हाँ, बैलेंसिंग करनी है। कैसे बैलेंसिंग करनी है? इस टोटल एन फैक्टर को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसका हो रहा है उससे बैलेंसिंग करनी है। किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये टोटल एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का हो गया, फिर आपको निकालना है टोटल एन फैक्टर रिडक्शन का। तो इन दोनों का एन फैक्टर निकल गया, अब इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो तमाम जितने भी ऑक्सीडेशन वाले होंगे उनको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा, और जितने भी रिडक्शन वाले होंगे उनके कोफिशिएंट से उनको मल्टीप्लाई करने का। यह आप रिएक्टेंट्स में करेंगे और अकॉर्डिंगली भाई साहब बैलेंस करेंगे। मिशा हेलो, उसको बंद कर दोगे क्या प्लीज? फिर उसको बैलेंस करेंगे आपके रिएक्टेंट्स में एटम्स के साथ। ठीक है, इन अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। मतलब एक ही एलिमेंट का एक साथ में ही अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, वन एलिमेंट इज अंडरगोइंग, एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का भाई साहब सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये समझो यहां पे आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहां पे NaOH सॉल्यूशन है। आपने भाई साहब NaOH को डाला, इसको स्टर किया मैग्नेटिक स्टिरर में, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH सॉल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं भाई साहब रिएक्शन क्या हुआ रहेगा। ये तो आपका बना बनाया बैलेंस्ड इक्वेशन है जो आपको बैलेंस करना है बेसिकली। ठीक है, सो लुक एट दिस, व्हाट इज फॉर्मिंग? यहां पे 3I2 प्लस 6 NaOH ये बन रहा है भाई साहब आपका। ठीक है, ओके, I2 जो होगा वो दो में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब एक बनेगा आई माइनस, इस आई माइनस के साथ। ध्यान से देखो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आयोडीन सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहां पे आपके दो कंपाउंड्स बने हैं। ठीक है, क्या क्या दो कंपाउंड्स बने हैं भाई साहब? एक बना है सोडियम आयोडाइड। अभी सोडियम आयोडाइड को अगर मैं देखूं, Na और I है ना, तो इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस एंड I माइनस, है ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में I माइनस रहेगा, तभी तो वो Na के साथ कंबाइन कर रहा है भाई साहब। ठीक है, और क्या दिख रहा है प्रोडक्ट में आपको? देखो NaIO3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो NaIO3 को अगर मैं सेपरेट करूं तो ये क्या हो जाएगा? Na प्लस, और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? IO3 माइनस। मतलब प्रोडक्ट में ये भी रहेगा जिसके साथ Na कंबाइन करके NaIO3 बना रहा है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, अभी I का सोर्स क्या है? एक ही सोर्स है, I2। ठीक है, I2 एक ही सोर्स है, I2, इसका मतलब ये दोनों बना रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? आयोडीन इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इनटू आई माइनस एंड IO3 माइनस। आई माइनस इज गेटिंग एडेड टू वन ग्रुप ऑफ सोडियम एटम्स टू फॉर्म सोडियम आयोडाइड, एंड IO3 माइनस इज गेटिंग एडेड टू अनदर ग्रुप ऑफ सोडियम एटम्स टू फॉर्म NaIO3। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम देख लेते हैं भाई साहब एक ही एलिमेंट का। चलिए अभी अगर हम इसमें आते हैं, देखो हमने कोई भी बैलेंसिंग नहीं की है, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? I2 प्लस NaOH, NaOH इज गिविंग यू व्हाट? NaI प्लस NaIO3 प्लस, चलो H2O बाद में आएगा। ठीक है, ये अब बन रहा है आपका। ठीक है,
ये आपका भाई साहब रिएक्शन है। अभी बताओ मुझे यहां पे I2 का कितना होगा, जीरो। न्यूट्रल एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जीरो। NaI, NaI मतलब यहां पे क्या है, आई माइनस, और IO3 मतलब IO3 माइनस है। आई माइनस का कितना हो गया भाई साहब, माइनस वन। तो यहां से यहां क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। IO3 माइनस में आते हैं तो इसमें हम IO3 माइनस में आते हैं, ठीक है। यहां पे I क्या है भाई साहब आपका, X, और ये क्या है भाई साहब आपका, माइनस टू, ठीक है। तो X प्लस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, X माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो X की वैल्यू क्या हो गई, प्लस फाइव। यहां पे भाई साहब था जीरो, यहां पे हो गया प्लस फाइव। तो इस I का भाई साहब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट I का रिडक्शन भी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे जो दो आई आए हैं ये सेम एक सोर्स से आया है, आई से, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो व्हेन एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इन द सेम रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आप देखो भाई साहब यहां पे आई टू है, आई टू का वैल्यू जीरो है, जब ये आई माइनस बना रहा है तो कितना हो गया, माइनस वन, IO3 बना रहा तो कितना हो गया, प्लस फाइव। तो ये जीरो से प्लस फाइव का होना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जीरो से माइनस वन का होना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज का होना, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। चाहिए समझ में आ रहा है? तो एक ही एलिमेंट I2 भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और भाई साहब क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ओके। तो मतलब जैसे साहिल मुनकर जिम जा रहा है बॉडी बनाने के लिए और ठूस भी रहा है बहुत एकदम आराम से, ठीक है। तो मतलब एक तरफ मोटा भी हो रहा है, ऐसे बोल रहा हूं, मतलब कोई अगर डाइट नहीं फॉलो कर रहा है तो जैसा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है, ओके, कर रहा होगा भाई साहब, सिर्फ पनीर खाता है वो पनीर, ओके। चलिए भाई साहब, थ्री आई टू प्लस सिक्स NaOH, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई इन आई टू, पनीर चिली बहुत अच्छा बनाता है, गुड, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आई इन आई टू कितना हो जाएगा, जीरो। I माइनस का कितना हो जाएगा भाई साहब, माइनस वन। आई ओ थ्री का कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस फाइव, ठीक है। सो आयोडीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अभी बताओ n फैक्टर ऑफ आयोडीन इन रिडक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? तो आप यहां पे I2 to I1 n फैक्टर में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा किसका लेना है, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट में कितने एटम्स है कोई मतलब नहीं है, रिएक्टेंट का आप नंबर ऑफ एटम्स लेंगे। कितने नंबर ऑफ एटम्स आयोडीन के दिख रहे हैं, टू, ठीक है। और कहीं इतना परेशान हो, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बात हो सकती है, ओके। ये माइनस आपका भाई साहब माइनस वन है और ये कितना है, जीरो। तो माइनस वन माइनस जीरो इसका मॉड कितना आ जाएगा भाई साहब, प्लस वन। तो टू इंटू वन ये हो गया एन फैक्टर ऑफ आयोडीन, समझ में आ रहा भाई साहब। एन फैक्टर ऑफ आयोडीन इन ऑक्सीडेशन भाई साहब कितना है, फाइव माइनस जीरो। देखो 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 भाई साहब एकदम ऐसे देख रहे भाई साहब, का हो रहा है रे, ओके। यहां पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, n फैक्टर मतलब कितना होता है, n फैक्टर होता है नंबर ऑफ एटम्स। अभी मुझे बताओ यहां पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टू, और n फैक्टर इन रिडक्शन, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो रहा है, माइनस वन से जीरो, तो ये हो गया माइनस वन माइनस जीरो, तो ये हो गया आपका टू इंटू माइनस वन, मतलब टू इंटू वन, तो ये हो गया आपका टू, ठीक है। और भाई साहब यहां पे n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन, n फैक्टर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे This will be I2, that is 2 into 2 into, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 minus 0, तो ये हो गया आपका 2 into 5, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, एक एलिमेंट का अगर भाई साहब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट का, इफ वन एलिमेंट का भाई साहब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का भाई साहब रिडक्शन दोनों भी एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में देखो अभी आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब, एन फैक्टर टोटल ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर टोटल रिडक्शन, ये आप कैलकुलेट करते आ रहे थे, अभी यहां पे एक ही एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1 बाय एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। दिस इज एप्लीकेबल, बच्चा पार्टी ध्यान रहे,
दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, चलिए भाई साहब इसको लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट लिख लिया. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा, वरना एन फैक्टर टोटल ऑक्सीडेशन और एन फैक्टर टोटल रिडक्शन वैसे अपन निकालते हैं. ठीक है, तो यहां पे कर लीजिए भाई साहब, यहां पे क्या हो गया, 1 बाई एन फैक्टर 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया आपका 5 बाई 3. किसका एन फैक्टर 5 बाई 3? आयोडीन का. समझ में आ रहा भाई साहब, आयोडीन का एन फैक्टर हो गया आपका 5 बाई 3. क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया. ठीक है, चलिए यहां पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन. क्लोरीन है, देखो भाई साहब क्लोरीन, क्लोरीन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोशिश कीजिए भाई साहब. सीएल टू सीएल माइनस वन बना रहा है और सीएल ओ माइनस बना रहा है. यहां पे आपका सीएल टू, ठीक है, ये सीएल टू है, ये क्या बना रहा है, सीएल माइनस प्लस CLO माइनस, CL माइनस और CLO माइनस. ये क्लोरीन कितना है, जीरो, ये कितना है माइनस वन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, X प्लस माइनस टू माइनस वन, X प्लस माइनस, तो ये हो गया X इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन, ये हो गया भाई साहब आपका प्लस वन. ठीक है, प्लस वन हो गया ये. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो एक क्लोरीन देखो यहां पे जीरो से माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रिडक्शन. यही क्लोरीन भाई साहब जीरो से प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन. तो एन फैक्टर वन बाई एन फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, वन बाई एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस वन बाई एन फैक्टर रिडक्शन. ठीक है, वन बाई एन फैक्टर ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन कितना होगा, दो एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना है, माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो का मॉड वैल्यू लेंगे हम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पहले ये लिख लेते हैं भाई साहब, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन, ये कितना हो जाएगा, दो एटम्स हैं क्लोरीन के और यहां पे हो जाएगा माइनस वन माइनस जीरो, इसका मॉड वैल्यू, तो ये हो जाएगा टू इंटू वन, दैट इज टू. तो ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन का वन बाई टू. वैसे रिडक्शन का देखो यहाँ पे दो एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन चेंज कितना है भाई साहब, वन माइनस जीरो, इसका मॉड वैल्यू, तो ये भी टू हो गया, तो वन प्लस हाफ, सो दैट विल बी वन. ठीक है, तो आपका टोटल एन फैक्टर कितना आ गया भाई साहब, वन. ठीक है ठीक है ठीक है. सो क्लोरीन अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन का जीरो से क्या बन रहा है, माइनस वन, और इधर क्लोरीन का क्या बन रहा है भाई साहब, जीरो से प्लस वन. ठीक है, सो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन कितना हो गया, टू. एन फैक्टर फॉर रिडक्टेंट इज टू. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो एन फैक्टर हो गया वन. चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए भाई साहब. टू एच टू ओ टू, ये बना रहा है टू एच टू ओ प्लस ओ टू, ऑक्सीजेशन, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट. देख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट क्विक क्विक. चलो ना जल्दी.
शर्मा जी कल बहुत लेट हो गए भाई साहब, मैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेट ऐसा लेट मारे हो कि भाई साहब। ओके ओके, यहाँ पे आपका है 2H2O। ऐसा तो नहीं घर पे बता के चले क्लास जा रहे और भाई साहब वो H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस भाई साहब O2। ठीक है ओके, तो आपका देखो यहाँ पे O2 आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे O2 कितना होगा, पेरोक्साइड है, देखो पेरोक्साइड। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट देखो जब भी सामने हाइड्रोजन है ना तो हाइड्रोजन का प्लस वन लेकर चलोगे। ठीक है, तो प्लस वन है, लेट्स से हमने इसको एक्स मान लिया, तो टू इंटू प्लस वन है प्लस टू इंटू एक्स, इसकी वैल्यू जीरो है, तो टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टू, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन, तो यहाँ पे भाई साहब बाई डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा माइनस वन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एच टू ओ है, ठीक है, तो टू इंटू वन प्लस यहाँ पे वैसा कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस टू ही होना है इसको, ये माइनस टू ही होगा देखो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो। आते हैं भाई साहब यहाँ पे देखो, माइनस वन से माइनस टू होना मतलब रिडक्शन, और माइनस वन से जीरो होना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, वन बाई एन। तो पहले हम देखते हैं एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा भाई साहब, दो एटम्स हैं और भाई साहब चेंज कितना हुआ है माइनस टू माइनस माइनस वन, इसका मॉड वैल्यू लेंगे तो टू इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, सो दैट विल बी टू इंटू माइनस वन, सॉरी टू इंटू वन, सो ये हो गया आपका टू। तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया वन बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब रिडक्शन है देखो जीरो, और इधर कितना है आपका माइनस वन, तो एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन दैट विल बी कितने एटम्स हैं टू, ठीक है, इन टू आपका भाई साहब जीरो जीरो माइनस माइनस वन, दैट विल बी टू इंटू वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टू, तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन ये भी हो गया आपका टू, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू दैट इज इक्वल टू वन, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल एन फैक्टर की वैल्यू हम कंसिडर क्या करेंगे वन। ठीक है ओके ओके ओके, सो आपका ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एन फैक्टर वन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इन टू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्या ठीक है, 15th वाला लिख दो बीओडी, 15th वाला कैंसिल कर दो पूरा, कैंसिल से हम लिख दो वहां पे 15th वाला कैंसिल। ठीक है, 2SO3 भाई साहब कितना है, 2SO2 प्लस O2 है, 2SO3 भाई साहब कितना है, 2SO2 प्लस O2, the oxidation state of S in SO3 कितना हो जाएगा प्लस 6 भाई साहब देखो यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2SO3 है, सो ये हो गया आपका 2SO3 इज इक्वल टू SO2 प्लस O2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, S का SO3 है, ये बना रहा है आपका SO2 प्लस O2। ठीक है, ये हो गया X प्लस, ये आपका कितना है माइनस टू, तो X प्लस 3 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एस की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 6, SO2 है भाई साहब, X प्लस 2 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो X माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो X की वैल्यू क्या हो गई प्लस 4, तो ये हो गया आपका प्लस 4। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब प्लस 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन SO3 ये क्या हो गया प्लस 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन SO3 इसका कितना हो जाएगा बोलो, ऑब्वियसली भाई साहब कितना होगा माइनस 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन SO2 कितना हो गया प्लस 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये इसका O2 का कितना हो जाएगा भाई साहब जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग आपके रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है ओके, तो हेंस द टू एलिमेंट्स इन द सेम कंपाउंड ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, टू एलिमेंट्स यहाँ पे S का क्या हो रहा है भाई साहब देखो, यहाँ पे S का कितना है प्लस 6 और इसका कितना है प्लस 4, तो 6 का हो रहा है 4, और भाई साहब यहाँ पे O का कितना है देखो माइनस 2 और यहाँ पे कितना है जीरो, तो O का माइनस 2 से जीरो, S का भाई साहब प्लस 6 से प्लस 4, दोनों का रिडक्शन हो रहा है देखो। ठीक है, हेंस द टू एलिमेंट्स इन द सेम कंपाउंड ऑन द रिएक्टेंट साइड आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ पे देखो S का कितना है प्लस 6, ये हो रहा है आपका प्लस 4, तो ये हो रहा है रिडक्शन, O का यहाँ पे कितना है माइनस 2, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंपाउंड में
जो दो एलिमेंट्स हैं उन दो एलिमेंट्स में से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एस सिक्स प्लस इज कन्वर्टेड इनटू एस फोर प्लस एंड ओ टू माइनस इज कन्वर्टेड इनटू ओ, देयरफॉर बैलेंस दीज टू इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आता है हमारा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे, समझ में आ रहा है। देखो आप इसके पहले कैसे कर रहे थे, एसिडिक और बेसिक मीडियम में भाई साहब बैलेंसिंग कर रहे थे, लेकिन यहां पे कैसे बैलेंसिंग करोगे, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका देखो यहां पे एस सिक्स प्लस है और इधर कितना है एस फोर प्लस, तो सिक्स प्लस पे आप कितना माइनस करेंगे टू, तो सिक्स प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स कर दो, टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा एस फोर प्लस। यहां पर कितना है ओ टू माइनस, और ओ टू माइनस क्या कर रहा है भाई साहब आपका ओ जीरो बना रहा है, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस साइड में आपका दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा, O2 माइनस इज इक्वल टू O प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करना, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो ये वाला टू इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप बोल सकते हैं n फैक्टर यहां पे कितना हो गया टू, ठीक है, n फैक्टर इज टू। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज नॉट चेंजिंग। अभी आप आते हैं भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या बन रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज नॉट चेंजिंग। इसमें आप देखोगे अगर तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपने देखो पढ़ा हुआ है डिकम्पोजिशन क्या होता है, ए एलिमेंट को हीट किया तो ये क्या बना बी प्लस सी, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है तो लेट से ये हो गया एक्स और ये सीओ थ्री, इसको अपन लिखेंगे टू माइनस, ठीक है, CO3 थ्री इज बेसिकली रिटन है CO3 थ्री टू माइनस, ठीक है। तो आप बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस टू, तो ये हो गया आपका प्लस टू। इसमें आते हैं देखो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस टू, इसका अगर मैंने x पकड़ा तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस टू, मतलब यहां पे भी प्लस टू और यहां पे भी प्लस टू, क्या ये समझ में आ रहा है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज एट ऑल, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि जहां पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वहां पर रिडॉक्स भी हो रहा हो, ठीक है, तो यहां पे आपका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, ओके। तो डिफरेंस देख लीजिए भाई साहब, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन अ सिंगल कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके पहले आपने क्या देखा, एसओ थ्री का देखा आपने, ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि भाई साहब एक ही सिंगल कंपाउंड में एसओ थ्री का भाई साहब एसओ टू और ओ टू हो रहा है, मतलब सल्फर का हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इन अ सिंगल कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स दैट इज एस एन ओ, एक एग्जांपल है, एस एन ओ आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इंडक्शन, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट का किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। सो इन अ सिंगल कंपाउंड द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इंडक्शन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में फर्क क्या है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन।
डन डन ओके चलिए भाई साहब यहां पे फाइंड द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अलोंग विद एन फैक्टर। चलिए इसको करना है PCl5 ये बना रहा है आपका PCl3 प्लस Cl2। चलिए फटाफट करना है भाई साहब क्विक क्विक जल्दी। ओके फाइंड द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अलोंग विद NF PSCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस PCl2। ठीक है क्या हो जाएगा भाई साहब इसका बताइए। PCl5 इज इक्वल टू PCl तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इन PCl5 कितना हो जाएगा। Cl का अपने को मालूम है भाई साहब कितना होता है -1। ठीक है वी नो दैट Cl का होता है भाई साहब -1 तो आपका यहां पे हो रहा है भाई साहब PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2 तो आपका भाई साहब यहां पे कितना है दिस इज -1 ये हो गया x तो x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 5 तो इसका हो गया भाई साहब प्लस 5 इसका इसी तरह से कितना हो जाएगा प्लस 3 इसका हो जाएगा 0। ठीक है क्लियर है भाई साहब इसका हो गया 0 Cl का यहां पे -1 है
यहां पे भी आपका माइनस वन ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं हम पी का, देखो यहां पे फाइव से कितना हो गया भाई साहब थ्री, तो क्या हो गया ये, दिस इज व्हाट रिडक्शन, ठीक है। और सीएल का भाई साहब यहां पे देखो माइनस वन से क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। फाइंड द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीसीएल फाइव, इसका कितना है भाई साहब देखो प्लस फाइव है, इन पीसीएल इज माइनस वन है, क्लोरीन सॉरी क्लोरीन का भाई साहब माइनस वन है पीसीएल फाइव में, ठीक है क्लियर है। ओके 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 द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप देखो यहां पे पीसीएल फाइव का प्लस फाइव और ये प्लस थ्री, तो रिडक्शन हुआ यहां पे। ओके यहां पे सीएल का माइनस वन और ये जीरो, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। The oxidation state of P in PCl3 is plus 3. The oxidation state of Cl in Cl2 is 0. So it is a decomposition reaction, bhai sahab. Decomposition kyun hai? Kyunki ek hi compound mein do elements, ek oxidation ho raha hai aur ek reduction ho raha hai. Dhyan se dekho yahan pe phosphorus pentachloride hai, PCl5. It is changing into phosphorus trichloride and chlorine. Theek hai? To phosphorus ka bhai sahab kya ho raha hai? Reduction. Plus 5 se plus 3 ho raha hai. क्लोरीन का भाई साहब माइनस वन से जीरो हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन सिंगल कंपाउंड आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन पीसीएल थ्री इज प्लस थ्री एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएल इन सीएल टू इज जीरो, सो दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके तो आप देखो यहां पर पी प्लस फाइव है और यहां पे टू इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हमने टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो p प्लस थ्री हो जाएगा। यहां पे आपका क्या है देखो p प्लस थ्री चाहिए यहां पे, ठीक है। Cl माइनस है यहां पे, ठीक है, तो Cl यहां पे क्या है माइनस है और यहां पे जीरो है, तो Cl माइनस को अपन क्या लिख सकते हैं, Cl न्यूट्रल प्लस एक इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो Cl माइनस होगा। अब इसको आप क्या करोगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे आप बैलेंसिंग करते हो ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में, एक को उड़ाने के लिए आप, तो यहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाना है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई साहब टू, यही हो जाएगा आपका एन फैक्टर। एन फैक्टर ध्यान रखो, एन फैक्टर मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन फैक्टर वो है कि मतलब आप इसको बैलेंस करने के लिए तुमको ना इन दोनों को ऐड करना है, और जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला दो इलेक्ट्रॉन और ये वाला दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, और ये कभी कैंसिल होगा जब ये एक से दो हो, और एक से दो होने के लिए तुमको इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा टू इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो तुम्हारा दो में आ रहा है इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स, इसको तुमने जबरदस्ती टू इलेक्ट्रॉन्स किया है, यही तुम्हारा एन फैक्टर बन जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी द सेम, तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय टू, तो एन फैक्टर आपका आ गया टू। इसको लिख लीजिए जरा फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ठीक है भाई साहब, एन फैक्टर कितना हो गया यहां पे टू। ओके ओके ओके
ये देखिए भाई साहब, ये जो साहिल मुनकर है थोड़ा सा उसने तो गाड़ी चला रहा था, पकड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका रेडॉक्स कैन हेल्प हेल्प पुलिस कैच ड्रंक ड्राइवर्स, ठीक है। तो कभी ये देखा है आपने पुलिस को करते हुए? ओके, तो ये एक्चुअली होता है पुलिस कैच ड्रंक ड्राइवर्स यूजिंग ब्रीथ एनालाइजर। उसमें भाई साहब करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। उसमें आपका भाई साहब इसमें मीटर पता चल जाता है कि आप ड्रंक हैं या नहीं, ठीक है, आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर लंबा जाएंगे आप, ठीक है। गाड़ी तो जब्त हो गई होगी, आप भी जाएंगे अंदर, ठीक है। ओके, तो पुलिस कैच ड्रंक ड्राइवर्स यूजिंग ब्रीथ एनालाइजर। ब्रीथ एनालाइजर होता है भाई साहब, ये होता क्या है, देखो आपका CH3CH2OH, ये क्या है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, मतलब इथेनॉल जो हम कंज्यूम करते हैं। C2H5OH होता है भाई साहब, C2H5OH इथाइल एल्कोहल। अगर आपने इथाइल एल्कोहल पी रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके अंदर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका बनता है क्रोमियम सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सी का है -1, ये हो गया आपका भाई साहब +3, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे भाई साहब रिडक्शन हो रहा है। द एयर क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम इज हैविंग अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे देखो ये एसिटिक, ये इसमें कार्बन का कितना है -1 है, यहाँ पे कितना हो रहा है +3, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल का, वैसे भी देखो एल्कोहल में एक ऑक्सीजन है, एसिडिक एसिड में दो ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन इन ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्कोहल क्या कन्वर्ट हो रहा है आपके इसमें, किसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इस मशीन में होता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, दिस बेसिकली ऑक्सीडाइजेस। सो क्रोमियम इज इन अ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट विच हैज एन ऑरेंज कलर चेंजेस इट्स कलर व्हेन क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म, ठीक है, उसका चेंज हो जाएगा कलर। सो ये आपका देखो बिफोर ब्रीडिंग है, 00 रहता है, चेंज कलर को हम बेसिकली डिजिटली न्यूमेरिकल्स असाइन कर देते हैं। तो आफ्टर ब्रीडिंग दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सो दिस पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आप अगर एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप कम से कम 24 घंटे तक आपको कोई गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके ब्रीद में रहेगा, ठीक है, आपके ब्लड सैंपल में भी रहेगा। कभी कभी ब्रीद एनालाइजर में नहीं रहता है, लेकिन ब्लड सैंपल में रहता है। जितने भी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उनका पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई साहब ब्रीद एनालाइजिंग में नहीं हुआ होगा, लेकिन ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, मतलब समझ लो किसी ने किसी की गाड़ी को ठोक दिया है, ठीक है। अभी दिस पर्सन हु वॉज एक्चुअली द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, उसका ब्रीद एनालाइजिंग तो करेंगे ही, प्लस उसका सैंपल भी निकालेंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल में एल्कोहल का कंटेंट रहेगा 36 घंटे तक अप्रॉक्सिमेटली रहता है, ठीक है। ओके, ओके, तो हमने भाई साहब क्या क्या देखा यहाँ पे, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन मतलब आपने भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, आयन्स निकाला आपने, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने देखे, ठीक है। ओके, नाउ एन फैक्टर, भाई साहब देखो जैसे कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग केसेस, इसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए भाई साहब एन फैक्टर फटाफट। P4 है, फॉस्फीन बना रहा है, ठीक है, और H2PO2 बना रहा है, चलिए फटाफट क्विक
डन डन डन। देखो भाई साहब यहां पे क्या है, P4 है, ठीक है, दिस इज बेसिकली P4, ये हो गया आपका P4, ये बना रहा है क्या भाई साहब आपका PH3 इन गैसीय स्टेट प्लस H2PO2 माइनस एक्वस, ठीक है, तो ये हो गया जीरो, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका -3 H2PO2, ये हो गया आपका 2 × 1 प्लस एक्स प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया 2 + x − 4 इज इक्वल टू जीरो, x − 2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू +2, ठीक है, ये हो गया आपका +2, ठीक है, क्लियर है। देखो यहां पे फॉस क्या बोल रहे हो, अच्छा -1 है ना, सॉरी सॉरी, ये चार्ज -1 है, यस यस, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया -1, -1 +2, तो ये हो गया आपका 1 है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 1। ओके, तो आप देखो यहां पे P का क्या हो रहा है, -3 भी हो रहा है, और P का क्या हो रहा है भाई साहब, +1 भी हो रहा है, जीरो से -3 क्या हो जाएगा सृष्टि कुमारी, जीरो से -3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, ओके, यहां पे 0 से 1 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा, 0 से 1 ऑक्सीडेशन होगा, तो अब बताइए भाई साहब कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, किस टाइप का रिएक्शन है ये, भाजपा मुखिया बन के आई हो आज भाई साहब, एक दिन कल ये भाजपा थे आज ये भाजपा भाई साहब, बोलो जल्दी से, अरे ये क्या है, एक अगर एक ही एलिमेंट का एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसको अपन किस टाइप का रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तुम बिल्कुल भी यहां नहीं हो, कब जाकर मंडप में बैठेंगे और पत्ते खेलेंगे भाई साहब, ये जिंगल तुम्हारा दिमाग में ये घूम रहा है, ठीक है, ये आपका भाई साहब ये हो गया -3 और ये हो गया आपका +1, ठीक है, ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा आपका, 1/n इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस 1/n फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ठीक है, तो आपका भाई साहब n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स तो पहली बात 4 हो गया, ठीक है भाई, आप रिएक्टेंट में जितना एटम्स है उसी को लेंगे 4, ठीक है, अब बताइए मेरे को यहां पे है आपका -3 और यहां पे 0, तो ये हो गया -3 - 0, तो इसका मॉड वैल्यू, तो ये हो गया आपका कितना 12, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, n फैक्टर ऑक्सीडेशन का हो गया, n फैक्टर भाई साहब रिडक्शन का कितना हो जाएगा, अगेन 4, और यहां पे कितना होगा बोलो, रिडक्शन का हो जाएगा भाई साहब आपका ये हो गया 1 ना, और ये हो गया 0, तो 1 - 0, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन दैट इज 1/12 प्लस 1/4, तो ये हो गया आपका 12, 1 + 4 = 3, तो ये हो गया 3, 4/12 दैट इज 1/3, तो आपका n फैक्टर कितना हो गया भाई साहब 1/3, तो n फैक्टर हो गया आपका 3, ठीक है, क्लियर हम बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम
ठीक है। अच्छा आप आए हैं, नहीं तुम्हारे भाई बंधु ने बोला कि वो तो लालबाग गया है। अच्छा ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब। हियर पी ऑफ द रिएक्टेंट ठीक है एज वेल एज रिडक्शन। डन डन डन, तो यहां पे हो गया भाई साहब -3 और ये हो गया आपका +1 ठीक है। तो इन फैक्ट कितना आया था अपना, 3 आया था ना, तो आपका देखो 1/4 + 1/12 दैट गिव्स यू 3। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको बैलेंस करना है। चलिए सवाल है, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, ए बी कोफिशियंट्स हैं। सृष्टि कुमारी, ए बी सी और डी ये आपके कोफिशियंट्स हैं ठीक है। दीज आर बेसिकली कोफिशियंट्स, इनके वैल्यूज क्या है हमको नहीं मालूम है क्योंकि हमने अभी तक फिलहाल बैलेंसिंग नहीं की है ठीक है। ओके आपको यहां पे विच इज इनकरेक्ट फॉर द अबव रिएक्शन एन फैक्टर ये सारे आप लोग दिया हुआ है। कंसिडर द रिएक्शन, अभी एफ ई एस टू है भाई साहब, देखो यहां पे ऑब्वियसली S का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 क्योंकि सल्फर आता है ऑक्सीजन के ग्रुप में और ऑक्सीजन का भाई साहब कितना है -2, तो सल्फर का भी -2 होना बनता है। अगर इसका -2 हुआ तो आपका आयरन का कितना हो जाएगा +2 ठीक है। ऑक्सीजन का ऑब्वियसली 0 होगा। यहाँ पे Fe2O3 में कितना हो जाएगा 2x + 3 × -2 = 0, तो 2x - 6 = 0। मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 दैट इज 3, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा +3। एस का यहां पे आ जाइए, देखिए -2 है तो यहां पे -2 × -2 x + 2 × -2 = 0, तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +4। तो आप देखो यहां पे सल्फर का कितना था -1 और कितना हो गया अभी +4, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। यहां पे आयरन का कितना था +2 और अभी कितना हो गया +3, तो इसका भी क्या हो रहा है भाई साहब ऑक्सीडेशन ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ऑक्सीजन ये सब हो गया। दस इज अ कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब कंपाउंड ठीक है, कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अभी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे आपका NF ऑक्सीडेशन 1 पहला, देखो यहां पे आपका कितना है 1, एक एटम है Fe1, 3 - 2 दैट इज 1, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 × 1 दैट इज 1 ठीक है ओके। और यहां पे भाई साहब कितना है S का कितना है 2 एटम्स है, देखो 2 एटम्स, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ है 4 - -1 तो कितना हो जाएगा 5 ठीक है, तो 2 × 5 = 10। समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो यहां पे ये +4 है, मॉड वैल्यू तुम ले रहे हो लेकिन +4 और -1 में डिफरेंस कितने का है 5 का है, 4 - -1 दैट इज 5, मॉड वैल्यू लेके 5 इंटू करोगे नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2, तो एन फैक्टर आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10 ठीक है। तो फॉर कंपाउंड रिडॉक्स रिएक्शन आपका एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 1 + n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन 2, ये हो जाएगा आपका टोटल एन फैक्टर दैट इज 1 + 10 = 11। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ, तो आपका भाई साहब यहां पे एन फैक्टर ऑफ Fe2O2 इज 11, क्या ये करेक्ट है भाई साहब, करेक्ट हो गया भाई साहब ठीक है ओके। अभी भाई साहब आपको यहां पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इन O2 कितना है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इन Fe2O3 इज -2, हियर ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड फॉर्मिंग ऑक्सीडाइज इन द, तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -2 - 0 ठीक है, -2 - 0, तो ये हो गया आपका 4। इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन ठीक है, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई एन फैक्टर ऑफ द रिएक्टेंट्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना था 0, -2 0, और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं इधर रिएक्शन में 2, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 4, और इसका कितना आया है भाई साहब आपका Fe का ठीक है। ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओ इन दिस इज -2, वेरस न्यूट्रलिटी में आपका Fe2O3 का इतना है भाई साहब और O2 का भाई साहब यहां पे कितना है 0, तो -2 0, तो ये हो गया आपका 4। इन अ रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन,
तो 4 FeS2 + 11 O2, क्या ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ये 11 था n फैक्टर किसका, FeS2 का, तो उसके साथ ऑक्सीजन का मल्टीप्लिकेशन किया, और 4 था, रुक रुक रुक, 4 था किसका भाई साहब, O2 का, शादी भी करके आ रहा है भाई साहब, जैसे आएगा सब लोग मुलाएंगे, अरे वाह वाह तो शादी हो गया है, हाँ ठीक है, 4 तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उसको, ठीक है, 4 Fe2 + तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, Fe2O3 + DSO2, ठीक है, ओके, तो 4 Fe मतलब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2, दिस विल बी 2, और डी 11 2 22 हो गया भाई साहब, 3 SO2 है, तो ये आपका कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे को, यहाँ पे 2 4 8, तो यहाँ पे 8 तो डालना ही पड़ेगा, बस हो गया भाई साहब आपका बैलेंसिंग, और ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी आपका भाई साहब इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला तो सही है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज टू डी आपका भाई साहब, ए इज टू बी इज 11 इज टू 4, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।